नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूँ मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूँ बिलासपुर में। और मेरे साथ इस वक्त शिक्षक नेता राजेश चटर्जी और उनके संघ से जुड़े कई पदाधिकारी भी हैं, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से जुड़े हुए भी हैं। सरकारें आती हैं और जाती हैं, इस आने और जाने के दौरान कई नीतियाँ प्रभावित हो जाती हैं, कई चीज़ें छूट जाती हैं, कई चीज़ें जुड़ जाती है और इन छूटने और जुड़ने के फेर में कई विसंगतियां जन्म ले लेती हैं और इन विसंगतियों पर जो तत्कालीन सरकारें रहती हैं वो ध्यान नहीं देती। ऐसा ही ठीक तब भी होता है जब विभाग में कई अधिकारी बदलते हैं, वे अपनी कुछ पॉलिसी लेके आते हैं और पुरानी पॉलिसी पर ध्यान नहीं देते। ऐसी कई विसंगतियाँ, कई खामियाँ हैं जिनको लेकर आज चर्चा भी करेंगे और जानेंगे भी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई बनी है उसके विषय में भी, कैशलेस चिकित्सा के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा पदोन्नति और रिक्तियुक्तिकरण को लेकर जो समस्याएं अभी सामने दिखाई दे रही है उस पर भी चर्चा करेंगे श्री राजेश चटर्जी जी से। राजेश जी, आपका स्वागत है सीजीवाल में। धन्यवाद सर। अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसको लेकर एक शिक्षक क्या सोच रहा है और आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन जो आप लोग को ही करना है उसको लेकर आप लोग क्या विचार रखते हैं? हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हम स्वागत करते हैं। राष्ट्र में एक नीति बनना चाहिए, वैसे राज्य में भी शिक्षा का एक नीति बनना चाहिए। नीति आप शिक्षा का कुछ भी बना लीजिए, बहुत अच्छा है, स्वागत है, लेकिन हमारा कुछ कहना है। हमने पक्ष रखा है, हमारा बहुत साफ साफ कहना है कि प्राइमरी स्कूल में चार विषय होते हैं, आपको चार वहाँ टीचर और एक प्रधान पाठक देना चाहिए, जो आपके प्रदेश के किसी भी 80% से ज़्यादा स्कूलों में केवल एक शिक्षक है या दो शिक्षक है, चार पीरियड है, हमारा शिक्षक कैसे पढ़ाएगा? वहाँ पर आपका एक गणित विषय है, वहाँ पर एक पर्यावरण विषय है, वहाँ पर एक साहित्य का विषय है, एक अंग्रेजी का विषय है, तो हिंदी का विषय है, ये कैसे पढ़ाएगा? हमारा ये कहना है कि प्राइमरी में 5 क्लासेस हैं, क्लास 1 से 5, तो क्लास 1 से 5 को पढ़ाने के लिए आपको 5 टीचर देना चाहिए। पहली में कौन पढ़ाएगा? अगर वहाँ 3 टीचर रहेगा तो आपका कैसा नीति जमीन में सफल होगा ये बताएं। दूसरी बात यह है, मिडिल स्कूल का अगर हम बात करते हैं, मिडिल स्कूल में 3 सेक्शन है, 6वीं 7वीं 8वीं। कुछ बड़े स्कूल है जहाँ पर, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, बड़े स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 6वीं के 2, 3, 4 भी हैं और आपके पास वो विषय बंधन के आधार पर टीचर चाहिए। वहाँ पर 6 विषय पढ़ाया जाता है, एक हम हिंदी पढ़ाते हैं, एक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, उसके बाद हम गणित पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, उसके बाद संस्कृत पढ़ा रहे हैं। आपके पास मिडिल स्कूल में संस्कृत के टीचर नहीं है, आपके पास मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले योग्य और योग्य से ज़्यादा योग्यता धारित करने वाले जो PSC मैथमेटिक्स हैं वो टीचर नहीं है, आप विकल्प के आधार पर लोगों को पढ़ा रहे हो। विषय बाध्यता तो सर खत्म कर दी गई है, इसका नुकसान एक शिक्षक होने के नाते आप कितना देख रहे हैं? विषय बाध्यता समाप्त करना, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना और साथ ही साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। हम ये कह रहे हैं कि आप अपना तुलना प्राइवेट स्कूलों के साथ करते हो, आप आत्मानंद का बात करो, आप आत्मानंद में क्या किए हो? आप वहाँ पर विषय मान के आधार पर टीचर आपने डिप्यूट किया, तो हमारा गरीब परिवार का बच्चे ने क्या अपराध किया? आप विषय बंधन समाप्त क्यों किए, जबकि आपको मालूम है कि मिडिल स्कूल में 6 विषय हैं तो 6 विषय के 6 शिक्षक आपको चाहिए ही चाहिए। आपने विषय बंधन को समाप्त करके एक स्कूल में केवल आप पॉलिटिकल सोशल स्टडीज़ के आपने टीचर्स को डिप्यूट कर दिया पूरे के कई हैं। हमने ऐसा देखा कि 6 के 6 आपके हिंदी के हैं, सवाल ये उठता है कि गणित कौन पढ़ाएगा? मैं उसी चीज़ को कहता है और हमारा फेडरेशन छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से रखना चाहता है कि सरकार को ने जो विषय बंधन को समाप्त किया है वो आत्मघाती निर्णय है, उसको तत्काल बदलना चाहिए। हमने ज्ञापन भी दिया, हमने निवेदन भी किया। रहा सवाल हायर सेकेंडरी में, आप जाइए हायर सेकेंडरी में, आपके पास 6 आपके पीरियड्स होते हैं, आपके विषय और फैकल्टी के हिसाब से वहाँ टीचर्स हैं। सबसे पहले अगर कोई इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ना चाहता है तो उस स्कूल में अर्थशास्त्र विषय संचालित है, पॉलिटिकल साइंस संचालित है, भूगोल संचालित है, तो उन विषयों के शिक्षक होना चाहिए। हम कहते हैं कि पेयरिंग में है, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में से कोई एक तो उसको पालन करे, ज्योग्राफी
इकोनॉमिक्स में कोई एक, तो दोनों में कोई एक सब्जेक्ट टीचर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है। अब आप पूरे के पूरे पोस्टिंग कर दिए। इससे पहले 5 साल पहले जो सरकार थी उसके उन लोगों ने भी वैसे ही पोस्टिंग कर दिया, जहाँ जिसका मर्जी है, जिसने अपना जैक लगा लिया उस टीचर को भेज दिया। तो सरकार को नीति तय करना पड़ेगा कि आप स्कूल के बच्चों के भविष्य को निर्धारित करना चाहते हैं कि आप कुछ और कुछ करना चाहते हैं। ये सब पहले तय होगा। स्कूलों में हमारा टीचर रहेगा स्कूलों में, तब शासकीय स्कूलों में लगाव बढ़ेगा। अब ये बताओ, स्वामी आत्मानंद जो हमारा शासकीय स्कूल है उसका परफॉर्मेंस क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि आप सब्जेक्ट बेस्ड, सब्जेक्ट वाइज आपने टीचर का पोस्टिंग किया है और आप सेलेक्टेड बच्चों को आप ले रहे हो वहाँ पर। वहाँ आपके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने एकदम हाईलाइट कर दिया। मेरा ये कहना है कि दूसरे जो गांव देहात में हमारे गवर्नमेंट के स्कूल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप होगा? उनके बाथरूम कब बनेंगे? उनके टॉयलेट, उनके जो गार्डन्स कब बनेंगे? उनके कमरे कब बनेंगे? उनके पास कब ग्रीन बोर्ड आएगा? उनके पास कब अच्छे टीचर आएंगे? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बैठने के पहले हम बड़े बड़े अधिकारी तो ऐसा ही बंद कमरे में एसी में निर्णय लेते हैं। मैं जमीन हकीकत की बात कर रहा हूँ। मैंने तो पूरा, हम तो एज ए प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन पूरे प्रदेश घूमे। हमारे दयालु राम जी धमतरी जिला के अध्यक्ष बैठे हैं, चंद्रशेखर चंद्राकर पाटन के हमारे बड़े लीडर हैं, सारे हमारे बैठे हैं, बिलासपुर के बैठे हैं, सारे बैठे हैं। आप किसी से भी बात कर लो जो निष्पक्ष होकर अगर आप विचार लोगे तो हम ये कहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे पहले प्राथमिक शाला में जितनी कक्षाएँ उतने शिक्षक हो, एक प्रधान पाठक हो। मिडिल स्कूल में जितने विषय पढ़ाए जाते हैं उन विषय शिक्षक हो, एक प्रधान पाठक हो। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में जितने विषय पढ़ाए जाते हैं उनके शिक्षक होने चाहिए। बड़ा मजाक लगेगा आपको जसवाल जी, हाई स्कूल कई ऐसे हैं जहां पर संस्कृत विषय का शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है। अब वहां पर संस्कृत कैसे पढ़ाएंगे? तो पढ़ के हमारे बड़े अधिकारी बोलते पढ़ के पढ़ा लेगा। अरे साहित्य संस्कृत हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का विषय है, उसके पोस्ट क्रिएट नहीं, हमने लिख के दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। कई हाई स्कूल है जहाँ 5 पद स्वीकृत है, तुम्हारे संस्कृत को छोड़ दिया है उनने। इन विषयों को हम लाना चाहते हैं। और हम कहीं ऐसा तो नहीं होगा सर जैसे 2012-13 या 2014 में जब हुआ था कि अतिशेष शिक्षक हो रहे थे तो 15 दिन का प्रशिक्षण दे दिए, 20 दिन का प्रशिक्षण दे दिए थे, उसके बाद फिर वो उनको उसी स्कूल में भेज दिया उस विषय को पढ़ाने के लिए। तो अभी भी ऐसा होगा तो इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो गणित का टीचर है, जो संस्कृत का टीचर है, जो पॉलिटिकल साइंस का टीचर है, जो विज्ञान का टीचर है, वो प्राइमरी स्कूल से जब वो पढ़ता था, मिडिल स्कूल आया, हाई स्कूल आया, ग्रेजुएशन किया, उस विषय का विशेषज्ञ है। आप किसी दूसरे विषय हिंदी वाले को कह दोगे कि आप कागज लिख लो कि मैं पढ़ा दूंगी, तो आप उसको अंग्रेजी का जगह पोस्टिंग कर दो, ये तो बहुत बढ़िया है, कोई ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे हिंदी वाले को सबको प्रमोट कर दो, सब गणित पढ़ाएंगे, सारा चीज़ करेंगे। हम तो ये कहते हैं ये जो बंधन है ये केवल मेरे गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनके बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, विषय बंधन रहना ही चाहिए। सर अभी जो ये युक्तिकरण की बातें आ रही है तो ये बिना विषय बाध्यता को समाप्त किए लागू करना न्याय संगत होगा क्या? हमारा ये कहना है युक्तियुक्तिकरण करना ठीक बात है, पहले भी युक्तियुक्तिकरण हुआ। आखिर युक्तियुक्तिकरण होता क्यों है? क्योंकि आप विषय बंधन से ज़्यादा शिक्षक पोस्ट हो गए, तो पोस्ट करने वाला कौन है? मनीष जी राज शासन ही तो कर रहा है। तो आप पहले ये तय कर लो कि इस प्रकार से व्यवस्था नहीं बिगाड़ोगे, फिर युक्तियुक्तिकरण करो। यही अंतिम युक्तियुक्तिकरण होगा, इस चीज़ का जारी होना चाहिए। अब जब ट्रांसफ़र का सीज़न खुलता है तो मनमाने फिर से आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमारा ये कहना है कि किसी एक स्कूल में अगर मान लीजिए गणित के 2 टीचर हैं, विज्ञान के 2 टीचर हैं, सामाजिक विज्ञान के 2 टीचर हैं, आज आपने कहा कि 1 टीचर होना चाहिए और आपने उसको युक्तिकरण में हटा दिया, जूनियर को हटा दिया या सीनियर को हटा दिया। कल प्रमोशन जारी करोगे, अगर सामाजिक विज्ञान वाला प्रमोट होके अपर पद में चला गया तो वो स्कूल तो शिक्षकविहीन हो जाएगा जी। हमारा वही कहना है कि आप युक्तियुक्तिकरण करना बहुत अच्छी बात है, राज्य शासन निर्णय ले रहा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन दूरदर्शिता के साथ होना चाहिए। हमारे अधिकारी निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, इनको शिक्षा विभाग का वास्तविक सेटअप के बारे में जानकारी शायद नहीं है।
हमारा कहना है कि पहले सेटअप जितने हैं उस सेटअप के आधार पर आप पदोन्नति जारी करो, एक एक पदोन्नति करके सारे टीचर जो प्रमोशन पाते हैं उनको कर लो, अब उसके बाद खंगालो कि किस स्कूल में डबल टीचर हो गए हैं, उनको आजू बाजू समायोजित कर दो। बहुत सरल काम था, लेकिन ये करना चाहते हैं। हमने दिया है, हमने सुझाव दिया है, हाँ बिल्कुल ज्ञापन दिया है, बकायदा मुख्यमंत्री जी को मैंने मेल किया है, हमारे सेक्रेटरी सर को भी मेल किया है और माननीय हमारे संचालक मैडम को भी हमने मेल किया है। मतलब क्रम होना चाहिए, पहले आप पूरी पदोन्नति कर दो, जो आपका पदोन्नति का पद है, उसके बाद आप युक्ति युक्तिकरण करो, उसके बाद युक्तिकरण करो। हमारा वही कहना है कि आप पहले प्रमोशन जारी करो, प्रमोशन जारी करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि किस विषय का शिक्षक पदोन्नत होकर अपर पद में चला गया, अब उसके बाद डबल है क्या, नहीं है तो वहाँ से नहीं हटेगा, लेकिन अगर कहीं पर ए भी है और एक ए वाला वहाँ जारी हो गया, युक्तिकरण में चला गया, दूसरा वाला पदोन्नति में चला गया, तो वो स्कूल तो शिक्षक भी हो जाएगा। पदोन्नति की प्रक्रिया ही तो है बहुत लंबी है सर, प्राचार्य शिक्षक से जो व्याख्याता बनने वाले हैं और जो व्याख्याता से प्राचार्य बनने वाले हैं उसकी पदोन्नति लगभग हम लोग सुनते आ रहे हैं कई दिनों से हो रही है, और शिक्षक से व्याख्याता और प्राथमिक एचएम मिडिल एचएम से व्याख्याता बनने जो बनने वाले हैं उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया तो पिछले 12 महीने से चल रही है और 14 आदेश हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्या सिस्टम है कि अधिकारी लोग तय नहीं कर पा रहे हैं? अब अधिकारी लोग बस एक ही चीज़ लिखते हैं, चर्चा करें प्रस्तुत करें, और वही चल रहा है पूरा, चर्चा भी हो रही है और प्रस्तुत भी कर रहे हैं, तो चर्चा और प्रस्तुत का क्या अर्थ है वो हमको समझा दें। हमने अभी समिति में बैठे थे, हमने एक ही चीज़ कहा कि आपका ट्राइबल विभाग में 2013 से पदोन्नति नहीं हुआ और प्राचार्य पद पर, शिक्षा विभाग में 2016 के बाद नहीं हुआ, व्याख्याता के पिछले 10-12 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप नीचे नीचे करवा रहे हो, सहायक शिक्षक के प्रधान पाठक आप करवा दिए, अपर ड्यूजन आप करवा दिए, मिडिल स्कूल एचएम में आप कर दिए, लेकिन आप ऊपर कर ही नहीं रहे हो। हम वही कह रहे हैं ना, आप प्रमोशन पहले करो, प्रमोशन करने के बाद निचले नीचे के जो पद है वो भरेंगे, ऊपर के पद भी जाएंगे, नीचे का पद खाली होगा, उसके बाद युक्ति युक्तिकरण करो। इच्छा शक्ति है, सब है, लेकिन कार्यशैली नहीं है, जिसके वजह से ये हमारे साथ चंद्रशेखर चंद्राकर जी बैठे हैं, दिसंबर में रिटायर हो जाएगा, 15 साल सीनियर है, लेक्चरर है, प्रमोशन नहीं पाएगा, यही हो रहा है जी। सर एक और विषय है पुरानी पेंशन को लेके, अब जो पुराने रेगुलर शिक्षक हैं उनको तो पुरानी पेंशन 2004 के पहले के जो उनको मिल रही है, जो बाद के लोग हैं उनको पेंशन को लेके बड़ा दिक्कत है एकदम। 2000 LB संवर्ग को लेते हैं अपन, 2018 के बाद इनका संविलियन हुआ है, 2012 से इनका NPS कट रहा है, इसको लेकर सर आप क्या विचार रखते हैं? सबको अपने अधिकार के लिए और अपने स्वार्थ के लिए बोलने का पूरा राइट्स है, हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हमारा कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार के खाते में जिस तारीख से हमारे कर्मचारियों का पैसा NPS में कटना चालू हुआ है, सरकार को उस तारीख से OPS लागू करना चाहिए। अभी सरकार कब से लागू कर रही है? 1/4/22 से लागू कर रही है। इनके कटौती कब से चालू हुए हैं? नवंबर 12 से चालू हुए हैं। ऐसा क्यों? सरकार के खाते में हमारे कर्मचारियों का पैसा गया है तो सरकार उसका गारंटर है। वो पैसा कहाँ गया? NSDL में है, कहाँ पर है? PFRDA में है, उससे हमें कोई लेने देना नहीं। जो हमारे आरण समितिलन अधिकारी जिनने उनका काटा है, हम उसके बारे में बात करेंगे, सरकार को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि जो NPS का पैसा था, जो जमा हुआ था कर्मचारियों का, वो पैसा कहाँ है? उसका सारे कर्मचारियों के पासबुक में एंट्री होना चाहिए और उसका प्रमाणीकरण होना चाहिए कि NPS में इतना पैसा है। 1 जुलाई 2018 से संविलियन हुआ, उससे कोई लेने देना नहीं। हमारा ये कहना है कि जेरे मेरे जो कर्मचारियों का, पूरे प्रदेश के हर विभाग का, नवंबर 12 से NPS कटना चालू हुआ, उस तारीख से आप OPS को लागू करिए, तब मेरे कर्मचारियों को फायदा होगा। ये तो कई कर्मचारियों को 10 साल पूरा नहीं हो रहा, उसको पेंशन की पात्रता ही नहीं मिल रही, तो ऐसा योजना बना के क्या लाभ है? इसका रिविजन होना चाहिए, और जो जानकार है अपने आप में खोज लें, कमेटी बनना चाहिए इसके ऊपर। और IAS अधिकारियों के साथ अगर बैठोगे, विभाग के अधिकारियों के साथ आप बैठोगे और उसका आप निर्णय लेने का सोचोगे, तो निर्णय नहीं आने वाला, असंतोष बढ़ेगा। मनीष जी बिल्कुल बढ़ेगा असंतोष। हमारे एलबी साथियों का ये कहना है कि 98 से हम काम कर रहे हैं जी,
वो उनका कहना सही है, लेकिन जहां तक प्रश्न उठता है किसका, एनपीएस का ओपीएस का, तो जिस तारीख से एनपीएस का कटौती चालू हुआ है उस तारीख से मेरे हर कर्मचारी का ओपीएस में माना जाए। 1 अप्रैल 22 से लिया गया निर्णय पूरी तरह से गलत है। मैं सहाय सरकार से और हमारे माननीय विष्णुदेव जी से व्यक्तिगत तौर पर मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारा पूरा फेडरेशन निवेदन करना चाहता है कि इसका रिविजन होना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो एकदम गलत है, अनुचित है। सर एक और विषय है, आप लोग के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी विषय है। लगभग जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सबके सब, राज्य के जितने भी हैं सबके सब कहीं ना कहीं कोई हेल्थ पॉलिसी लेके रखा हुआ है या नहीं भी लिया हुआ है। जब इलाज की बारी आती है तो कोई हेल्थ पॉलिसी या अपना पैसा या फिर जो शासन की जो योजनाएँ हैं, जो हेल्थ कार्ड को लेकर योजनाएँ बनाई गई उसका लाभ लेता है। उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि वहाँ पर कैशलेस कर्मचारियों का इलाज हो जाता है, और जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि आपने रमन सरकार के कार्यकाल में लगभग आज से 8-10-15-10-12 साल पहले कैशलेस को लेकर एक ठोको स्कीम सरकार के सामने रखी थी। वो स्कीम क्या थी और उसको लागू करने में क्या व्यवहारिक दिक्कतें आपको दिखाई दे रही हैं? हम रमन सरकार जी के समय हमने कैशलेस ट्रीटमेंट का पॉलिसी बनाया था जी, हमने सरकार को दिया भी, उस पर काम भी चला। उसका सीधा सीधा कंसेप्ट ये था कि सरकार को हमने सजेस्ट किया कि मुख्यमंत्री संजीवनी योजना के नाम से ये पॉलिसी हमने बनाया है। हमने फ्री हैंड दिया था कि इसका कोई भी नाम रख लिया जाए, जो नाम रखना चाहते सरकार रख ले। अब इसमें क्या करना था, एक हेल्थ कार्ड बनाना था, हेल्थ कार्ड बना के सारे कर्मचारियों को देना था, जो उनका आई कार्ड के तौर पर काम करता उसमें उसका एम्प्लॉई नंबर से लेकर तमाम चीज़ रहता, और दुर्घटना अगर हो जाए किसी परिवार के बीच में और मुखिया के साथ हो जाए, तो हमने देखा है मंत्रालय में रहते हुए मेरा एक अधिकारी था वर्मा, उनका डेथ हो गया तो उसका अंतिम क्रियाक्रम के लिए पैसे नहीं थे, उनको देखते हुए हमारे दास गुप्ता जी हैं उनको मैंने देखा और हमने वो पॉलिसी बनाया। पूरे प्रदेश में हर जगह हमने ज्ञापन दिया 8 से 8-10 साल पहले, आप सही कह रहे हैं, और ज्ञापन में यही था कि एक कार्ड बना लो और कहीं पर भी ट्रीटमेंट होता है, जो आपका मान्यता प्राप्त चिकित्सालय है राज्य के अंदर और जो मान्यता प्राप्त चिकित्सालय राज्य के बाहर, वहाँ वो बिना पैसा जमा किए। अब किसी का एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन उसका फेल हो गया, अब उसका परिवार अपने गहने बेच रहा है, जमीन बेच रहा है, अपने एसेट्स को गिरवी रख रहा है और उसको लेके भाग रहा है, तो ये संवेदनशील एक सरकार को होना चाहिए और वो कार्ड बना दे, वो कार्ड लेके जहाँ पर भी जाएगा स्वाइप होगा, जितना उसका पैसा है ऑनलाइन सरकार पेमेंट कर दे। मेडिकल बिल करते हैं लाखों के रुपए में, मेडिकल फॉल्स मेडिकल बिल निकल रहा है, लेकिन जो ज़रूरतमंद है, एक ज़रूरतमंद का एक आदमी, लॉ भी कहता है कि भले ही 10 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। और उसी प्रकार हम कहते हैं कि जो फर्जी काम कर रहे हैं उनको करने दो, सरकार ऑनलाइन कर दे, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, जितना बाकी पैसा बचेगा हम उसको पेमेंट कर देंगे। पूरा योजना बता दिया, किस हेड में पैसा बनाना है वो बता दिया, कैसे उसका वेरिफिकेशन होना वो बता दिया, हमने एक स्कीम बता दी कि TRP रहेगा। TRP का मतलब ये है कि इस कर्मचारी ने मद्रास में जाके ट्रीटमेंट कराया कि नहीं किया, एक आपका ऑफिसर बैठेगा, वो जिला जो वहाँ का मेडिकल अफसर है वो अपना टिप्पणी देगा, वहाँ से वो कर लेंगे, हाँ ये फलाना कर्मचारी राजेश चटर्जी है, यहाँ का इसका ट्रीटमेंट हुआ, वो अपना थर्ड पार्टी इंटरप्रेटर जो है वो आपका बता देगा। हमने कहा आप अपने नोडल अधिकारी बना दो, वो करके लाके देगा और जितना बिल है उसका पारित हो जाएगा, सरकार का तो पैसा बचेगा इसमें, जो करीबन इनके 40 से 50 करोड़ रुपया हर साल इनका फर्जी भुगतान होता है, वो फर्जी भुगतान से बचेगा। सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति जागरूक होगी, संवेदनशील होगी, कर्मचारी और उसके परिवार की संख्या कम नहीं है, 7.5 लाख कर्मचारी हैं, अगर हम 8 भी लेते तो 32 लाख हमारे और हमारे परिवार के लोग आपको दुआ देंगे, उस सरकार को, उस मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे और हमेशा याद रखेंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी जो हमने छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने आज से 8 साल पहले जमा किया है वो ऑन पेपर चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग अवर सचिव दूसरे को लिखता है कि प्रस्तुत करें, दूसरा वाला लिखता है चर्चा करें, यही चल रहा है बस, बाकी मुख्यमंत्री के संज्ञान में सब चीज़ है। उस पॉलिसी को मैं आपसे निवेदन करूंगा, उस पॉलिसी को मैंने आपको भी दिया है, आप भी सरकार को पढ़ाइए, अगर हमको मीडिया के लोग सहयोग करेंगे तो आपका मीडिया का भी प्रभाव बनेगा, आपको हम दुआ देंगे, हमारे परिवार दुआ देंगे। सर इसमें कोई आर्थिक भार सरकार के ऊपर विशेष तो नहीं आएगा जो आप लोग पॉलिसी बनाए थे?
हम ये कहते हैं आर्थिक भार का बात है, आप मेडिकल रिइंबर्समेंट करते हैं कि नहीं जी? जब वो ट्रीटमेंट करा के आता है तो आप मेडिकल रिइंबर्समेंट करते हो, आज से 2 साल बाद दोगे, 6 महीने बाद दोगे, आज दे के कम करो, आप जितने आप मेडिकल भत्ता दे रहे हो उसको बंद करो, आप गारंटी ले लो। मेडिकल भत्ते में कई करोड़ रुपए आप व्यर्थ का गवा रहे हो, जो कभी बीमार नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उसको भी मेडिकल भत्ता दिए जा रहे हो 500 रुपये, 1000 रुपये। और कौन सा ऐसा अस्पताल है जहाँ 500 रुपये दे के डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो जाएगा, इंडोर ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये बताएं? 200 रुपये दे रहे हैं बता रहे कोई, हम तो कह रहे 500 में नहीं होगा, आप 200 रुपये देते हो। ये सब बंद करो, हमारे सारे कर्मचारियों का बंद करने के बाद आप 2 कैटेगरी बनाओ, एक इंडोर ट्रीटमेंट, एक आउटडोर ट्रीटमेंट। जैसा जैसा वो बिल देगा, उसके पास हेल्थ कार्ड रहेगा, हेल्थ कार्ड तो स्वाइप करेगा, उतना पेमेंट सरकार कर देगी, कोई भ्रष्टाचार का संभावना नहीं रहेगा। भ्रष्टाचार खत्म करना है और कर्मचारियों का वास्तविक सेवा करना है तो ये मेडिकल कैशलेस ट्रीटमेंट लागू होना ही चाहिए। मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये कर सकती है तो सरकार भी कर सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस वाले समझदार हैं, उनको मालूम है कि अगर हम लोगों ने 1 लाख कर्मचारियों का बीमा किया तो 1 लाख तो मरने वाले हैं नहीं, बड़े मुश्किल से 1-2-4 लोग जाएंगे। तो दूसरों से आप सरकार कह रहे कि हम बंच इंश्योरेंस करा देते हैं, हमसे सुझाव आया था कि वी आर गोइंग टू गिव बंच इंश्योरेंस, तो हमने कहा सर बंच इंश्योरेंस करके सरकार अपने अपने कमिटमेंट के आगे, सरकार अपने कमिटमेंट से क्यों पीछे हट रही है? आप इंश्योरेंस सेक्टर के लोगों को फायदा दिलाना चाहते हो, सरकार के पास पैसा है, सरकार का मेडिकल में बजट में प्रावधान होते हैं और एक साथ सारे के सारे कर्मचारी बीमार नहीं पड़ जाएंगे, सबका किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक साथ नहीं हो जाएगा, सबका कोई दूसरा ऑपरेशन एक साथ नहीं हो जाएगा, बड़े मुश्किल से 1% भी नहीं होंगे। तो सरकार को तो फायदा है, जो उनको एक मुश्त देना पड़ता है मेडिकल बिल के नाम से 1 करोड़ रुपये, वो बच जाएगा। सर अब अंतिम सवाल मेरा यही है शिक्षा नीति को लेकर, अब शिक्षा नीति को लेकर मेंटोर बने SP, कलेक्टर और कई अन्य अफसरों को मेंटोर बनाया गया है, इसका लाभ सर बताइए, इसका लाभ सर अब कैसे आपको दिखाई दे रहा है, एकदम क्या होगा इसको, मतलब आप लोग किस नजरिए से ले रहे हैं? मैं प्राचार्य हूँ, सीनियर प्राचार्य हूँ, मुझे हर विषय का ज्ञान है जी। मुझे आप प्राइमरी में खड़ा कर दोगे तो मैं सामाजिक विज्ञान के बारे में बच्चों को बता सकता हूँ, मुझे आप मिडिल स्कूल में खड़ा कर दो, जो कि मेरा गणित विषय इंग्लिश विषय है, तो मैं गणित इंग्लिश विषय के साथ साथ सारे विषय को बता सकता हूँ। ऐसा मेरा हर टीचर इतना सक्षम है और काबिल है कि वो बता सकता है, क्योंकि उसके साथ वो अभ्यस्त है। जो 100 मीटर रेस दौड़ सकता है उसको आप 200 मीटर रेस दौड़ा दोगे तो तकलीफ हो जाएगा, और जो कभी रेस दौड़ा ही नहीं है उसको आप 100 मीटर का रेस दौड़ना चाहते हो, स्वागत है। माननीय 2-4 हमारे बहुत सारे कलेक्टर ऐसे हैं जो जागरूक हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाना ज्ञान की नहीं, उनके आधारभूत अवधारणा विषय वस्तु के ज्ञान को देना ज़्यादा जरूरी है। और SP साहब आएंगे तो SP साहब अपना घर से तैयार करके आएंगे, जो तैयार करके आएंगे उसको बच्चों को बता देंगे, ज्ञान की बात करके चले जाएंगे। मेरा ये कहना है कि हर जिले में आपके पास सेवानिवृत्त टीचर हैं जिन्होंने प्राइमरी में, मिडिल में, हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में वर्षों तक पढ़ाने का अनुभव जिनके पास है, आप ऐसे रिटायर्ड टीचर्स को मेंटर बनाते तो आपके स्कूल के बच्चों को और हमारे टीचर्स को और शिक्षा व्यवस्था को और सरकार को फायदा होता। बाहर से आके किराए का लाया हुआ आदमी कभी भी मकान का मालिक नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार हर विभाग का जो जानकार है उसको आप ले आइए। मनीष जी कल को आपको मेंटर बना देंगे, आप वहाँ इंटरव्यू लोगे बच्चों का, क्या करोगे? आप किसी को बना दीजिए, वो क्या करेगा? डंडा चलाने वाला आदमी डंडा ही चलाएगा। ये यहाँ डंडा चलाने का बात नहीं है मनीष जी, यहाँ बुद्धि और बच्चों का मानसिक स्तर, मेरे गांव का जो बच्चा है उसके मानसिक स्तर पे पहुंच के जब मेरा टीचर उसको समझाता है तब वो पहली पास होता है, दूसरी पास होता है, तीसरी पास होता है, चौथी पास होता है और 12वीं तक आता है। उस मानसिक स्तर को अगर हम बना के रख सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मेरा सुझाव ये है कि जिला शिक्षा अधिकारी, हमारे जॉइंट डायरेक्टर, ये मेंटर होने चाहिए और उनके ऊपर एक जो सहयोग होना चाहिए, मदद, तो चाहे वो किसी रूप से भी सहयोग हो, भय भी निप्रीत नहीं गुसाई, उसके नीति के तहत SP कलेक्टर को रहना चाहिए, मैं उसका भी पक्षधर। सवाल तो मेरे पास सर और 2 सवाल मैं आपसे और लेता हूँ। देखिए अभी ये जो बात हो रही थी इसी को लेकर, चाय ले लीजिए ना, तो पहले कॉफी विद मनीष, टी विद मनीष।
सर आपके पास इतने अधिकारी जानकार अधिकारी हैं, मैं देखता हूँ मंत्रालय संचालनालय में अभी भी जो लोग थे वो वैसे ही हैं, खैर उस बारे में नहीं बात करते, लेकिन जब शिक्षा विभाग की नीतियाँ बनती हैं तब आपके पास एक से बढ़कर एक ऐसे अधिकारी भी हैं जो प्राचार्य बनकर अभी अधिकारी की श्रेणी में भी आ गए हैं, इनको आखिर मौका क्यों नहीं मिलता? या जब ये अधिकारी कोई नीति बनाते हैं, कोई योजना सामने लाते हैं, तब उस योजनाओं में जो खामियां रहती है उसको लेकर विरोध क्यों नहीं करते हैं? जैसे मान लीजिए मिडिल स्कूल में विषय बाध्यता समाप्त की गई, उस दौरान भी विरोध नहीं किए, क्योंकि जमीनी स्तर पर हम भी जानते हैं कि 8वीं का गणित हिंदी का टीचर नहीं पढ़ा सकता, संस्कृत का टीचर नहीं पढ़ा सकता, सोशल विज्ञान का टीचर नहीं पढ़ा सकता। ऐसा आखिर हो क्यों नहीं रहा है? क्या जो भर्ती जो पदोन्नतियाँ उच्च स्तर पर होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही जो प्राचार्यों की, या कुछ और कारण है? शिक्षा विभाग के हमारे जितने अधिकारी हैं बहुत टैलेंटेड हैं और हाईली क्वालिफाइड हैं और अपने श्रेष्ठता के दम पर वो अधिकारी बने हैं। दिक्कत ये आता है कि जब नीति बनता है तो हमारे अधिकारी ये सोचते हैं कि अगर मैंने कोई सलाह दिया और साहब को बुरा लग गया तो मेरे लिए नुकसान हो सकता है। मनीष जी, बुद्धिमान व्यक्ति को कोई भी अपना सलाहकार रखना पसंद नहीं करता जी, बस मुझे इतना कहना। ये राजेश चटर्जी जी प्रांताध्यक्ष प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के बहुत अनुभवी हैं, नीचे से सफ़र शुरू किए थे, प्राचार्य तक का सफ़र है, इनका अनुभव बहुत है और इन्होंने शिक्षकों और कर्मचारी संघों के हक के लिए एक अच्छी लंबी लड़ाई भी लड़ी। आज इन्होंने दिल खोल कर कहा है। जैसा कि आपको मालूम है, योजनाएं जब बनती हैं तब योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता है तो उस पर आम मीटिंगें होती हैं, उन मीटिंगों पर चर्चाएँ होती हैं और चर्चाएँ अक्सर हमने भी कभी देखा है यूट्यूब वगैरह में, जब मीटिंग वगैरह होती है, चर्चाएं होती है, तो सिर्फ दो या चार लोग बोलते हैं, बाकी लोग सुनते रहते हैं। ये जो सुनने वाली बातें हैं ना, ये ही जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं योजनाओं को प्रभावित करती है। यदि अगर सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दिया जाए, विषय बाध्यता के विषय में ही जिस दिन ये लागू की जाने वाली थी, इसको लेकर चर्चा हो रही थी, तो संचालनालय और मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग के जो अधिकारी बैठे हुए थे, जो प्राचार्य से पदोन्नत होकर अधिकारी बने हैं, वो अगर इस बात का विरोध किए रहते, नीति को लेकर विरोध किए रहते, तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती जो पिछले 5 सालों में प्राथमिक मिडिल स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में हुई है। ये उस स्थिति उस समय भी नहीं होती जब 2014 में रमन सरकार के कार्यकाल में युक्तिकरण करके हिंदी के टीचर को गणित की कब ट्रेनिंग देकर और विज्ञान के टीचर को संस्कृत का ट्रेनिंग देकर उस विषय का शिक्षक बनाया गया। समस्याएं बहुत है शिक्षा विभाग में और ये वकालत भी कर रहे हैं, एक विभाग एक नीति, और वो नीति भी ऐसी कि वो 5 सालों के लिए हो, 10 सालों के लिए हो, समय समय पर अधिकारियों के हिसाब से, शासन के हिसाब से, मंत्रियों के हिसाब से उसमें फेरबदल न किया जाए। बातें बहुत कुछ हैं, विचार बहुत कुछ है, चिंता भी बहुत है, क्योंकि कोई स्कूल का बच्चा, कोई गांव का बच्चा अगर किसी की पूजा करता है, किसी का पैर पड़ता है, तो किसी अधिकारी का नहीं पड़ता, वो शिक्षक का पड़ता है। तो शिक्षक के हृदय में वो भगवान है, वो देवता है, जो उनके अंदर हृदय, ऐसा हृदय है जो बोलता है कि मैं भी इनके लिए कुछ करूँ। सिस्टम को देख कर चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पाता। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।